हेलो गाइस, वेलकम टू वन न्यू गेमिंग वीडियो। इसमें आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं WCC 3। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जैसे कि हम ब्लेड्स का खेल रहे हैं, तो आज भी हम वही खेलने वाले हैं। और जो हमारा टूर्नामेंट है, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा मैच है नैदरलैंड के साथ, तो चलिए इसी मैच को करते हैं स्टार्ट। पिच हम आज लंदन के पिच में खेलेंगे, जो काफ़ी लार्ज पिच है। ओके, प्लेयर तो मैं कंट्री का ही रखूँगा। लोडिंग हो रही है, तो चलिए भाई देखते हैं। इसे लोडिंग को पहले पूरा ऑन देते हैं। और गाइस, तो अभी लोडिंग पूरी हो चुकी है। और ये हमारी दोनों टीम के कैप्टन और ये हमारे कमेंटेटर प्रकाश चोपड़ा सर। तो अभी मैं हेड चूज करने वाला हूँ। ओके गाइस, इसी के साथ हमारे विराट कोहली सर जीत चुके हैं टॉस। तो आज हम पहले बैटिंग, पहले बॉलिंग करना चाहूँगा मैं, तो अभी इसे स्किप करते हैं। तो ये है हमारे नदरलैंड की टीम, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। और ये है हमारी इंडिया की नेशनल टीम। तो चलिए इसी साथ करते हैं मैच का स्टार्ट। और अंपायर्स आ चुके हैं ग्राउंड में। अभी हमारी टीम आ चुकी है फील्डिंग करने। ऑडियंस भी बहुत खुश है मैच को देखने के लिए। चलिए अभी इनके बैटर्स आ रहे हैं। तो अभी इनके बैटर्स भी आ चुके हैं ग्राउंड में। और ये इनके स्ट्राइकर। तो अभी मैं बॉलिंग पहले कराऊंगा कुलदीप यादव से। तो अभी काउंट डाउन हो रहा है, काउंट डाउन होने देते पहले पूरा। वैसे काउंट डाउन पूरा हो चुका है और पहले मैं स्पिन से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। चलिए गाइस, तो अभी अरे यार, पहली बॉल गाइस नो बॉल पड़ चुकी है, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात है। और पहली बॉल पे शायद से ओके, तो चौका तो नहीं गया है, लेकिन इस बॉल पे 2 रन आ चुके हैं। पहली बॉल ही नो बॉल बढ़ी है, शुरुआत तो ख़राब हो चुकी है। तो रिप्ले भी स्किप करते हैं। और ओके, तो ये बॉल तो सही पड़ी है, लेकिन फ्री रेट है जो मैं टॉप स्पिन डालता हूँ अभी। और ये हमारा टो, अरे बहुत बढ़िया, ये बॉल बहुत अच्छी डाली हमने, जिसकी वजह से मिस हो चुकी है। पीरियड का फ़ायदा तो हमने उठा नहीं दिया। चलिए डालते हुए इतनी दूसरी बॉल, और इसमें मारा इन्होंने स्वाइप। तो एक आगे, और ये वाली बॉल मैं अभी आगे को डालूँगा। ये बॉल अभी आगे को पड़ चुकी है और इसमें भी रन आ रहे हैं। तो ये भाग रहे हैं, फटाफट थ्रो कर देते हैं। वैसे ही मैंने थ्रो कर दिया और इस बॉल पे खाली सिंगल आ चुका है। ओ अरे यार, बच गया। तो अभी ये बॉल मैं थोड़े पीछे से करना चाहूँगा। ये इस बॉल पर बहुत बढ़िया फील्डिंग, शोर से अभी तक 4 बॉल पे 4 रन आ चुके हैं। जो देखते हैं अभी, मैं थोड़ी लेफ्ट साइड में रखूँगा बॉल को, बहुत अच्छी करती है। अरे यार, ये सच से बाउंड्री आ चुकी है और इस ओवर थिंग की पहली बाउंड्री आ चुकी है। थोड़ा मुझे रनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा रन हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल आएगी बैटिंग करने में। तो ओके, तो ये गाइस में ये बॉल यहाँ, तो इस बॉल पे एक भी रन नहीं है। तो इसी के साथ ओवर ख़त्म। और करते हैं अभी हम दूसरे ओवर की शुरुआत। ही हमारे पिछले ओवर का हाल था कि अभी मैं इस बार मीडियम फास्ट गेंदबाज को लाऊंगा, जो कि हमारे भुवनेश्वर कुमार भाई होंगे। ये तो अभी इनके हाथ में बॉल आ चुकी है। तो चलिए मैच को स्टार्ट करते हैं। से मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी फील्डिंग चेंज कर दूँ, ये वाली रहने देते खैर अभी। तो अभी मैं थोड़ी पहली बॉल ही बाउंसर से ट्राई लेने की सोच रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बॉल पड़ी और ये हमने अभी थ्रो कर दिया है। तो गाइस, ये थ्रो
थ्रो हमारा बहुत ही अच्छा गया जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रन आ पाया। फिर तो अभी दूसरी बॉल में एक यॉर्कर मारना चाहिए, एक मार के ट्राई लेता हूँ कि अब तक विकेट आ जाए। ये बच गया, ये बहुत ही अच्छा शॉट खेला बैटर ने जिसकी वजह से इसका विकेट बच गया। तो अभी थ्रो करते हैं, नहीं तो इस बॉल से भी एक ही रन आया। चलिए सही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा रन नहीं बने अभी। अभी हमारे मैच अभी ज़्यादा बाहर नहीं गया है। अभी ये बॉल पे भी इन्होंने कट मार दिया। अगर तो ये बॉल पे अभी देखते हैं कि अरे इस बॉल पे तो ऐसा डबल आ चुका है और थ्रो हमारी काफ़ी लेट हो गई थ्रो करने में। पहले मैं एक और करके ट्राई लेता हूँ, एक और यॉर्कर, और ये यॉर्कर बिल्कुल सटीक पड़ी है कि वैसे एक भी रन नहीं आया। तो यॉर्कर काफ़ी मार गई, इसकी वजह से मैं सोचा कि बाउंसर के ट्राई लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बॉल, एक बॉल गुड लैंड पे डालते हैं, देखते हैं इस बॉल पे क्या आता है। फिर तो इस बॉल पे भी शायद से आई थिंक सिंगल, लेकिन नहीं, इस बॉल पे आ चुकी है बाउंड्री और पूरी इनिंग से इन्होंने 60 रन मारे हैं और हमें जीतने के लिए 16 रन चाहिए, जो कि ज़्यादा नहीं, हम चाहे तो बना सकते हैं। इनिंग ख़त्म, अभी मैं पहले हमारे हमारे बैटर्स ग्राउंड पे आ चुके हैं और ये धवन भाई हमारे। तो भाई सिर्फ 2 ओवर का मैच है, इसलिए मैं इस ओवर मैच को जल्दी ख़त्म करने की सोच रहा हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। और ये पहली बॉल पड़ी और ये पहली बॉल पे बहुत ही शानदार छक्का हमारे रोहित भाई के द्वारा, बहुत ही प्यारा छक्का मारा है इन्होंने। तो अभी बॉल ऐसे डाली उन्होंने और ये पड़ा बहुत ही प्यारा छक्का। तो अभी करते ही थे स्किप, अभी बॉलिंग टीम आपसे बात करती है रन को कैसे रोके, क्योंकि पहली बॉल से 6 रन आ चुके हैं। तो मैं सोचा कि ना थोड़ा एडवांस जाके मारूं, अरे यार सिट, और एडवांस जाने के चक्कर में कैच हो गया और हमारा पहला विकेट गिर चुका है। तो अभी कोहली भाई आ चुके हैं हमारे पिच पे, तो उनके साथ में पहली बॉल पर ट्राई लेने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैच ज़्यादा टिकाना नहीं है। और ये बहुत ही प्यारा छक्का, अरे यार छक्का तो नहीं गया ये, लेकिन ये 4 रन बहुत ही प्यारा शॉट था, ये कवर्स के ऊपर से मारा है इन्होंने सेट शॉट। मैं सोच रहा हूँ इसे ऑफ के से मिड ऑफ के साइड मारे, मिड ऑफ के साथ बहुत ही लंबा छक्का मारा है हमने स्टेडियम के बाहर, बहुत ही प्यारा छक्का। फिर से ये तो फील्डिंग में थोड़ी सी चेंज आई है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं इस बॉल को थोड़ा प्यारा सा, और गजब बॉल पर छक्के के साथ करा हमने मैच खत्म। और ये बहुत ही प्यारा छक्का मारा है इन्होंने, वैसे मैन ऑफ द मैच होने हमारे कोहली भाई जिसने 3 बॉल पर 16 रन मारे। वैसे हमारा मैच हो चुका है ख़त्म, तो इसी के साथ हम वीडियो को भी करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन से जल्दी से मिल जाए। गाइस गुड बाय।